परासिया में भाजपा सरकार की विकसित संकल्प यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि में जमकर नोकझोंक हुई। इस घटना का होने का वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की है। परासिया विधानसभा क्षेत्र के झुर्रे ग्राम में भाजपा की विकसित संकल्प यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि की नोकझोंक होने का वीडियो सामने आया। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू अपने समर्थकों के साथ शिवपुरी थाना पहुंचे और धरने पर बैठ गए और विधायक सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में विधायक सहित दो लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के विधायक सोहन वाल्मीकि भी अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचे और भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस से FIR करने की बजाय उन्हें जांच का आश्वासन दे दी गई। इसके बाद कांग्रेस विधायक ने पुलिस पर आरोप लगाया और कहा कि पुलिस भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमें आमंत्रित किया गया था। हमारे साथ में जो जनपद सदस्य हैं, चूंकि उन्हीं का क्षेत्र है, तो उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई थी कार्यक्रम की। जनपद अध्यक्ष जी हैं, वो भी इसी क्षेत्र के हैं, तो उन्हें भी आमंत्रित किया था। जो शासन के जो नियम है, उस आमंत्रित के तौर पर हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा था। बच्चों के कार्यक्रम चल रहे थे, विभाग अपना काम कर रहा था। भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू उस समय बहुत देर से आए जब कार्यक्रम अंतिम तौर पर चल रहा था, और आए तो उनका सबने स्वागत किया, मैंने भी उनका स्वागत किया, हमारे जनपद अध्यक्ष ने और कृपाल जो जनपद सदस्य उन्होंने भी किया। और हमने उनसे भी बोला कि भाई कहाँ लेट हो गए, तो बोले हम कुछ कार्यक्रम, तो हमने ये भी बोला कि यदि आप थोड़ा बता दे तो कार्यक्रम हम लेट कर देते। पूरे व्यवहारिक और सम्मान के साथ उनको वहाँ पर रखा गया। जब उनको बोलने का समय आया तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ में बोलना चालू किया, कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के खिलाफ में बोलना चालू करा। तो हमने बोला यार भाई साहब, ये कार्यक्रम शासन का है या कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, आप कांग्रेस के खिलाफ में और हमारे नेताओं के खिलाफ में मत बोलो। तो वो उत्तेजित हो गए, बोले तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, तुमको किन्होंने बुलाया, तुम्हारा कोई कार्यक्रम नहीं है, या हमारा कार्यक्रम, हमारी सरकार का कार्यक्रम है। तो हम जनप्रतिनिधि हैं, वो शासन का कार्यक्रम है, चाहे राज्य सरकार करे चाहे केंद्र सरकार, हमारा अधिकार बनता है, जनपद अध्यक्ष का, जनपद सदस्य का अधिकार बनता है। और जब जनपद हमारी जनपद अध्यक्ष जी ने उसको बोली कि भैया भाई साहब आप ऐसे गलत बात मत बोलो, तो बोले तू यहाँ कैसे आ गई, तेरे को किन्ने बुलाया, और माँ बहन की गाली पकने लगे, हाथ पकड़ के खींच दिए। उनके साथ जो लोग थे उन्हें धक्का मार के उसको स्टेशन नीचे उतार दिया। अब इतना सब होने के बाद कैसे कोई चीज़ बर्दाश्त करेगा। तो हमने उस चीज़ का विरोध करा, सम्मानजनक विरोध करा, कोई ऐसा कोई लड़ा झगड़ा नहीं करा कि उसके कोई मारपीट किया। मगर वो इतने अहंकार हैं, इतने गवर्नमेंट सरकार में इतनी अहंकारता है उन पे कि वो किसी चीज़ को माने नहीं, और यहाँ बैठ के हम लोग के खिलाफ FIR दर्ज कर। हम पुलिस प्रशासन के बोल रहे हैं कि भाई गलती हमारी नहीं है, आप विवेचना कर लो, और विवेचना करने के बाद लगता है कि गलती हमारी तब कर देना। मगर इस तरीके की जो व्यवहार किया, जो पुलिस प्रशासन दबाव में है, शासन की सत्ता के दबाव में, आज हमारी FIR लेके जा रही है, हम अपने साथियों के साथ बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प विकसित भारत, 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, और इसको लेकर के गांव-गांव में जन जागरूकता एवं विभिन्न शासन की योजनाओं में जो हितग्राही रह गए हैं उसको लेकर के हर गांव-गांव में हमारी पंचायतों में कैंप लग रहे हैं, शिविर लग रहे हैं। उसी शिविर में मैं आया था, वहां पर विधायक जी भी थे, विधायक सोहन वाल्मीकि भी थे, कार्यक्रम हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। उसके बाद मुझे जब तय हुआ कि मुझे बोलना है तो मैं बोलने गया, मैंने अपनी बात रख रहा था, वहाँ पर विधायक सोहन वाल्मीकि खड़े होकर के उन्होंने मुझे बोलने से रोका, फिर गुंडागर्दी करते हुए अपने गुंडों के द्वारा हम मुझ पर हमला करने का प्रयास किया। मेरे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे युवा साथी भाई सौरभ ठाकुर जी, हम लोग सब लोग थे, आप लोगों को वीडियो फुटेज भी मिल गए होंगे, मैंने भेजा भी हूँ, उसमें देखे कि बदतमीजी करते हुए मेरे ऊपर हमले करने, मेरे सौरभ ठाकुर हमारे मंडल अध्यक्ष के ऊपर इन्होंने हमला करने का प्रयास किया, जनता को धमकी दी, अपशब्द कर गालियाँ बकी। आप फुटेज में हैं कि जनता को गाली बक्के भगाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनके द्वारा एक कृत्य किया गया, इसको लेकर के हमने प्रशासन से यहाँ पर आए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।